हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मलिकानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये ट्रैवलिंग बैग शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, एक बहुत बड़े साइज़ का बैग है ये, और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत सिंपल तरीके का बैग है। तो ये दोनों तरफ से देखिए ऐसा है, और इसके दोनों साइड पे जो साइड है इसकी, वहाँ पर दोनों साइड मैंने यहाँ पर पॉकेट लगाई है, एक इस साइड है और एक इस तरफ है। तो ये देखिए, इस काफ़ी अच्छा स्टोरेज है फ्रेंड्स, इसमें बहुत बड़ा है ये। आप इसको कैसे भी अपने सफ़र में इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा सामान इसमें हमारा आ जाता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही बैग मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे हैं, जिसमें बॉक्स बैग भी हैं और ज्वेलरी बॉक्स भी हैं और भी कई तरह के बैग हैं उसमें, तो आप उनको देख सकते हैं। वेजिटेबल बैग हैं, वो भी आप वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इसको शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए कैसे इस बैग को मैंने बनाया है शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसका नाप मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने इसको कटिंग करते टाइम भी ही जो आपको नाप इसका बताया था, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते रहते हैं कि इसका मैडम नाप बताइए। तो मैं यहाँ पर भी आपको एक बार ये क्लियर कर देती हूँ, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। इसमें फ्रेंड्स, इसकी जो इस बैग की जो ये हाइट है ऊपर को, ये है इसकी हाइट 16 इंच, और इसकी जो ये चौड़ाई है, इस साइड को जो चौड़ाई है बैग की, ये है 20 इंच। और इसमें जो ये वाली चौड़ाई हमने रखी है, ये ऊपर से, ये ऊपर से, या ये साइडों से या नीचे से, ये हमने रखी है 8 इंच। तो 8 इंच का ये जो है, ये तो सेम उसी तरीके से जाएगा, 20 इंच का जाएगा, और ये 8 इंच मैंने चौड़ाई रखी है। अगर आप इससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप ये चौड़ाई अपनी बढ़ा दीजिए, तो आपका बैग और भी बड़ा बन जाएगा, इससे भी बड़ा बन जाएगा। लेकिन हाइट थोड़ा इतनी ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, इससे ज़्यादा हाइट जो है वो थोड़ा ठीक नहीं रहती, क्योंकि कई बार ट्रेन के सीट के नीचे रखना होता है या बस के सीट के नीचे रखना होता है, तो वहाँ पर बैग आते नहीं हैं, तो इतनी हाइट बिल्कुल सही रहती है। तो ये इसी हिसाब से है, और ये जो है ये भी ऊपर को 16 इंच है, और ये इसकी चौड़ाई जो है वो यहाँ पर मैंने 8 इंच रखी है। तो ये इसी हिसाब से है, और जिप भी इसकी लेंथ के हिसाब से है। और ये जो मैंने लिया है, ये मैंने लिया है स्ट्रैप इसका 51 इंच है ये फ्रेंड्स। तो आप भी इसको इसी तरीके से, ये दो पीस हैं 51 इंच के, 51 इंच के ये दो पीस हैं, तो आप इस तरीके से इसको कटिंग कर सकते हैं, और ये इस तरीके से बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बैग के लिए जो हमें चाहिए वो, मैंने ये क्विल्टेड पीसेस लिए हैं, ये है मेरे पास 6 पीस, और उसके लिए ये स्ट्रैप चाहिए और हमें जीप चाहिए। तो ये जो पीस है मेरे पास, बड़े पीस जो बैग के हैं, ये है मेरे पास इस यहाँ से, इसकी जो चौड़ाई है बैग की ये है 20 इंच, और इसकी जो ऊंचाई है बैग की वो है मेरे पास 15 इंच। इसकी बैग की जो हाइट है वो मैंने 15 इंच ली है फ्रेंड्स, और जो इसकी ये वाली चौड़ाई है ये है 20 इंच। तो ये इस तरह के मेरे पास ये दो पीस, मैंने इनको तैयार कर लिया है। इसमें मैंने ये एक लाइनिंग का पीस है, एक स्पंज का पीस है, और एक बाहर का मेन कपड़ा है। इसके लिए आप पुराना कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, और बीच में आप स्पंज डाल सकते हैं, या कोई चावल या आटे का जो भी थैला होता है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसमें आप रबर शीट भी यूज़ कर सकते हैं, या बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं। तो दो पीस मेरे ये हैं, और जो इसके साइडों पे लगने वाले पीस हैं और ऊपर नीचे लगने वाले पीस हैं वो ये हैं। इनकी जो चौड़ाई है वो है, यहाँ पे मैंने 8 इंच ली है, और इन दोनों पीसेस की चौड़ाई तो सबकी सेम ही है सारे पीसेस की, लेकिन जो ऊंचाई वाला ये साइडों पे पीस लगने वाले हैं, इनकी लेंथ है 15 इंच, इनकी 15 इंच लेंथ है। दो पीस हैं ये साइडों के, और जो हमारे ऊपर और नीचे के पीस होंगे वो इनकी जो है लंबाई है, चौड़ाई है, यहाँ पर लंबाई है इनकी 20 इंच, और इनकी जो चौड़ाई है वो है 8 इंच। तो ये ऊपर और नीचे का पीस है, नीचे का पीस तो एक ही होएगा फ्रेंड्स, और जो ऊपर का पीस होगा उसके मैं दो हिस्से करूँगी, और बीच में यहाँ पे मैं जिप उसमें लगाऊंगी, यहाँ पे इसको सेंटर से काट दूंगी, क्योंकि इकट्ठा मैंने इनको क्विल्ट किया है, तो इकट्ठा क्विल्ट करना जो है वो इजी रहता है।
मैं आपको पहले भी ये अपने बैग में, जब मैंने बैग बताए हैं पहले, उनमें भी मैं बता चुकी हूँ कि ऊपर नीचे के पीस जो हैं इस तरीके से इकट्ठे कोल्ड कर लें तो इजी रहता है। तो ये मेरे ऊपर नीचे के दो पीस हैं और ये साइडों के दो पीस हैं फ्रेंड्स। इनको मैंने लाइनिंग का जो भी कपड़ा मेरे पास बचा हुआ था या कुछ पुराना कपड़ा था वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये है बैग के मेन पीस, जो बड़े पीस हमारे साइडों के मेन पल्ले जो हैं वो ये हैं। तो ये हमें चाहिए। और उसके साथ मैंने ये जिप ली है, ये दो जिप हैं, ये जो साइडों के पीस हैं उनके साथ मैं जेब लगाऊंगी, दो जेब लगाऊंगी दोनों तरफ। तो ये मैंने, ये इनकी जो लंबाई है जिप की 8 इंच है, दोनों 8 इंच ली हैं। और उसके बाद ये एक बड़ी जिप है जो 20 इंच की है, ये जो ऊपर लगेगी बैग में, जो मेन जिप है वो ये है बैग की। तो ये 20 इंच है फ्रेंड्स। और ये है स्ट्रैप जो बैग के लिए, जो हम हैंडल बनाएंगे जो स्ट्रैप लगाएंगे वो ये है, ये है, ये 51 इंच का एक है, 51 इंच का एक है ये। तो ये मैंने दो लिए हैं दोनों तरफ से 51 इंच के। इनको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको थोड़ा, अगर छोटा हैंडल बनाना है तो आप उस तरीके से थोड़ा सा छोटा बना लीजिए, या आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप कपड़े का सिल के भी बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से स्ट्रैप नहीं है तो आप कपड़े का भी सिल के बना सकते हैं। और दो पीस मेरे पास और हैं जो हम जेब लगाएंगे, उसके लिए हमें लाइनिंग चाहिए, जो जेब वाले साइड वाले पल्ले हैं उनके लिए लाइनिंग चाहिए। तो ये दो पीस मैंने सेम उनके नाप के ये कट करके रखे हैं। तो आइए अब इनको हम शुरू करते हैं कैसे सिलना है फ्रेंड्स इनको। और फ्रेंड्स ये चार मैंने रनर लिए हैं, दो मैं ऊपर जो सबसे ऊपर जिप लगेगी उसमें दो यूज़ करूँगी, और दो जो है वो दोनों जेबों में एक एक रनर यूज़ करूँगी। तो अब हम जेब के लिए यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं और इसमें अब हम जिप जोड़ेंगे। तो ऊपर से जो हमारा साइड वाला पीस है उसमें मैं जेब लगा रही हूँ। तो ये मैं इस पीस को लेके यहाँ से, ये 2.5 इंच में, यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगा के इसको यहाँ पर कट करेंगे हम। यहाँ से हम ये 2.5 इंच पे इसको एक बराबर कट कर लेंगे और फिर हम इसमें जिप जो है वो इंसर्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये कट कर लिया है, अब हम यहाँ पर जिप इंसर्ट करेंगे। ये फ्रेंड्स जो मैंने जिप ली है इसको मैं यहाँ पर इन दोनों पल्लों के साथ इस तरीके से इंसर्ट कर लूँगी। तो मैं इनको स्टिच करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स हमने ये जिप लगा ली है देखिए, और मैंने इसमें रनर भी डाल दिया है। इसी तरीके से हमने ये दूसरे पीस पे भी इस तरह से जिप इंसर्ट कर दी है और इसमें भी मैंने रनर जो है वो डाल दिया है। और इसमें ऊपर से फ्रेंड्स यहाँ पे एक बैठने वाली सिलाई जो है वो भी मैंने यहाँ पे दोनों तरफ लगा दी है, इस पर भी और इस पर भी। तो हमारी जिप जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ मजबूत हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये दोनों साइड के पीस हमारे तैयार हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इस तरफ से हमने जो लाइनिंग का पीस रखा है उसको हम इस तरह से यहाँ पर इस पे जॉइंट करेंगे। इसको हम ऐसे नीचे रखेंगे, दोनों पीस के साथ एक एक पीस को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे, इस तरह से पूरे इसको, और हमारी फिर ये पॉकेट जो है वो तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हम दोनों पीस में ये लाइनिंग वाला पीस जो है वो लगा देंगे। ये इसको नीचे रखेंगे और ऊपर से ऐसे सिलाइयाँ लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसमें लाइनिंग के पीस जो हैं वो मैंने जोड़ दिए हैं इसके साथ पॉकेट के साथ। तो अब हमने जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लिया था, जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे इसको। तो ये इस तरीके से हमारी पॉकेट जो है वो तैयार हो गई। अब फ्रेंड्स हमने लिया है ये ऊपर का पीस जो बैग के सबसे ऊपर लगना है और इसमें हमने जिप लगानी है। तो इसको अब हम हाफ कर देंगे, इस तरीके से इसको डबल कर देंगे, इसको ऐसे डबल करके इसको यहाँ से कट कर देंगे सेंटर से, और फिर इसमें हम जिप लगा देंगे, जो जिप हमने इसके नाप ये कट हो गया फ्रेंड्स। और अब हमने जो यहाँ पे इसके साथ ये जो जिप ली है इसको अब हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इस पर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, इस जगह पे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर से एक बैठने वाली सिलाई भी लगा देंगे सेम इसी तरीके से। फिर हम इसको ऐसे रखेंगे और इस जिप को इसके साथ जोड़ देंगे।
तो ये हमारा दोनों के साथ ऐसे इंसर्ट हो जाएगी, और उसके बाद उसमें लॉक डाल देंगे, जो रनर है वो उसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये जिप जो है एक तरफ जोड़ दी है, और इसको अब हम ऐसे पकड़ेंगे, और यहाँ पर एक बैठने वाली सिलाई जो है वो इस जगह पे यहाँ पे फ्रेंड्स पूरे इसमें लगा देंगे, और इसी तरीके से इस साइड भी दूसरे पल्ले को हम इसके साथ जोड़ेंगे, दूसरे पीस को, और उसके ऊपर भी बैठने वाली सिलाई जो है वो लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऊपर का पीस जो है वो तैयार हो गया है। तो अब फ्रेंड्स हम अगले उसमें जो स्टेप हैं वो बैग में लगाएंगे। अब फ्रेंड्स हमारे जो स्ट्रैप लिए हैं हमने, इसके लिए जो लड़ियाँ या आप हैंडल जो भी कहना चाहते हो वो हमने लिया है, वो हम जो हमारे बड़े पल्ले हैं, मेन पल्ले हैं हमारे, उनमें हम उनको लगाएंगे। तो हमने क्या करना है कि ये जो इसकी चौड़ाई है इसके साइड से इसको ऐसे रखना है, और उसके बाद जो ये सेंटर है फ्रेंड्स, जितना मैंने इसकी चौड़ाई ली है मैं उसी हिसाब से इसका बता रही हूँ, क्योंकि हमारा ये 20 इंच चौड़ाई है इसकी। तो मैं यहाँ से ये 4.5 ले रही हूँ, यहाँ से 4.5 इंच, यहाँ से सेंटर से जो हमारी बंद वाली साइड है वहाँ से 4.5 इसको ले रही हूँ, ऐसे यहाँ पे निशान लगाऊंगी यहाँ पर, और ऐसा ही नीचे की साइड भी हम यहाँ पर लगाएंगे, 4.5 इंच पे यहाँ पर निशान लगाएंगे, और जो हमारे स्ट्रैप हैं उनको हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे भी हमें 2 इंच का जो है ऊपर से नीचे के लिए, ये यहाँ पर 3 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और नीचे से लेके यहाँ तक, यहाँ से नीचे से लेके जो हमने यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाया है यहाँ तक हम इस पे सिलाई लगाएंगे, और यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पे स्टिच लगाएंगे, 3-4 स्टिच यहाँ पे लगा देंगे, ताकि जब हम इसमें सामान डालें तो हमारा ये बैग जो है वो, इसकी सिलाई जो है वो उधड़े ना, उस पे जब प्रेशर आएगा तो ये मजबूती से रहे। जो यहाँ पर 3 इंच पे जो हमारी यहाँ पर सिलाई आएगी उसके हम 3-4 सिलाइयाँ यहाँ पे अच्छी तरह से लगा देंगे, और इस पे हम अच्छे से डबल सिलाई यहाँ पर लगाएंगे और इसको इंसर्ट करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी फ्रेंड्स इसका यही निशान दूसरी तरफ भी ऐसे यहाँ पर लगाएंगे, नीचे से ऊपर तक ये ऐसे करके, और ये दोनों तरफ ऐसे बैग का, यहाँ से और ये यहाँ से, और यहाँ से भी 3 इंच का ले लेंगे हम, और ये 3 इंच पे यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये बहुत ही सिंपल वाला बैग है फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग बैग है, बहुत सिंपल वाला, और इसमें बहुत सारा सामान जो है हमारा आएगा, काफ़ी बड़े साइज़ में जो है हमारा बैग ये बनेगा, और अच्छे से खुला डुला सामान जो है हमारा आएगा। तो ध्यान रखें यहाँ पे 3-4 सिलाइयाँ आपने लगानी हैं ताकि हमारा बैग जो है वो मजबूत बने। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे दोनों जो पीस हैं इनके ये स्ट्रैप लग गई है, देखिए दोनों पीसों के साथ मैंने लगा दी है, इसके साथ भी लग गई और इसके साथ भी लग गई। तो अब फ्रेंड्स हमने इसको जोड़ना शुरू करना है, तो जोड़ने के लिए हम पहले क्या करेंगे, जो हमने साइड वाले पल्ले लिए हैं, जो ये साइड वाले हमारे पीस हैं, इनको हमने पहले जोड़ना शुरू करना है। तो फ्रेंड्स अब हमने ये एक पीस लेना है, और इसके साथ जो हमारे ये साइड के 2 पीस हैं इनको हमने, ये जो जिप लगाई है हमने पॉकेट की, जो जिप लगाई है फ्रेंड्स इसको हमने ऊपर की साइड को रखना है, ऐसे जिस साइड को हमारा ये हैंडल है उस साइड को रखना है, और यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगानी है इस जगह पे, एक साइड हमने यहाँ पे इसको जोड़ना है, और दूसरे पल्ले को इसको भी जिप ऊपर की साइड रखनी है, और दूसरे पल्ले को हमने यहाँ पर जोड़ना है, इस तरीके से जोड़ना है फ्रेंड्स। ये देखिए साइड पे, ये साइडों पे इस तरह से हमने इनको जोड़ना है दोनों पल्लों के साथ। तो मैं इन दोनों को इस पल्ले के साथ बड़े पीस के साथ जोड़ के फिर आगे आपको। तो फ्रेंड्स मैंने ये देखिए साइड पे ये पल्ले जो हैं वो जोड़ दिए हैं, साइड वाले पीस जो हैं मैंने यहाँ पे इसके साथ जोड़ दिए हैं बड़े पीस के साथ, ये देखिए इसके साथ इस तरीके से जोड़ दिए हैं, और ये इस साइड भी एक एक पीस मैंने जोड़ दिया है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा दूसरा बड़ा पीस है फ्रेंड्स उसको इसके ऊपर रखना है, ये देखिए ये वाला हमारा बड़ा पीस है, और इसको भी हमने
इसके ऊपर रखना है इस तरह से, और जो हमारे ये साइड वाले पीस हैं इनको हमने इसके साइड साइड पे ऐसे जोड़ देना है, इस तरीके से यहाँ पे जोड़ देना है। ये जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ करेंगे और जो उल्टी साइड है वो बाहर की तरफ, और इसको सारे को इस तरह से यहाँ पे जोड़ देंगे दोनों साइड से, इस तरह से यहाँ पर भी इधर भी हम इस तरह से यहाँ पे इसके जोड़ सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। तो ये दोनों में सिलाई लगा के फिर आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए सारा ये जुड़ गया, बैग जो है जो साइडों वाले पीस हैं वो जुड़ चुके हैं इसके साथ, दोनों पल्ले आमने सामने के बड़े पल्ले जो हैं वो भी जुड़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब ये नीचे का पीस है जो सबसे नीचे हमने जोड़ना है, तो उसको अब मैं जोड़ूंगी। तो उसको लिए अब हमने क्या करना है कि जो हमारे ये साइड वाले पीस हैं इनको आपस में यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरह से आमने सामने इनको सबको नीचे इस तरीके से सिलाई लगा देंगे, इस तरह से सारे आमने सामने वाले पीस इधर से पूरे को ज्वाइंट कर देंगे आपस में, लंबाई के साथ लंबाई को जोड़ देंगे और जो इसकी साइड वाली चौड़ाई है उसके साथ इस तरह से ऐसे करके, इस तरह से करके पूरे को यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। तो मैं इसको ज्वाइंट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब फ्रेंड्स ये देखिए एक साइड का जुड़ गया इस तरह से, ये एक तरफ का ऐसे जुड़ गया। अब हम दूसरी तरफ का भी इसी तरह से जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ तक इसमें भी सिलाई लगा देंगे और फिर साइड पे भी सिलाई लगा देंगे जो साइड वाला। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये बैग यहाँ पे पूरी तरह से जुड़ गया नीचे से, और मैंने इसमें डबल डबल सिलाई भी लगा दी है सारे, इसमें जितना भी हमारे पास ये है इसमें सारी जगह मैंने डबल सिलाई लगा दी, और साइडों पे भी मैंने अच्छे से डबल सिलाई लगा दी, क्योंकि मैं हर बैग में डबल सिलाई ही लगाती हूँ ताकि हमारा बैग जो है वो कहीं हमें सफ़र में कोई प्रॉब्लम ना हो, जब भी हम कोई सामान डालें तो कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यहाँ सारी जगह पे। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक पतले कपड़े की पट्टी भी लगा दूंगी जिससे ये सारी चीज़ें जो है लॉक हो जाएंगी और हमारा बैग बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा सा रहेगा। तो अब हमने यहाँ पे ऊपर जो हमारा जिप वाला पीस है फ्रेंड्स वो हमने यहाँ पर जोड़ना है ये इस जगह पे। तो जिस तरीके से हमने नीचे वाला जोड़ा है उसी तरह से हमने इस पीस को भी यहाँ पर इंसर्ट करना है, जैसे हमने नीचे वाले को किया सेम उसी तरीके से ऊपर वाले को भी करना है। और इसमें मैंने दो रनर जो हैं वो डाल दिए हैं फ्रेंड्स, एक ये डाला है और एक ये डाला है, क्योंकि दो सही रहते हैं, एक ख़राब हो जाए तो दूसरा काम करता रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको भी इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर जो हमारे ये लगाई है स्ट्रैप लगाई है इनको आप अंदर ऐसे डाल दीजिए, और उसके बाद इसको इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाइए डबल डबल करके, ऐसे ही दोनों तरफ इधर को भी जोड़ना है, ऐसे ही इस साइडों को भी ऐसे ही जोड़ना है, और फिर हमारा बैग जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये ऊपर पट्टी जोड़ दी सबसे ऊपर वाली जिप वाली जो थी, और इस पे मैंने यहाँ पर एक कपड़ा भी लगा दिया जो मैंने साइड पे बताया था कि ये पट्टी मैं लगाऊंगी। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी ये धागे वगैरह निकल रहे होते हैं थोड़े थोड़े, जो ओपन सिलाइयाँ इस तरह से रहती हैं वो नहीं रहती हैं, तो ये हमारा बैग जो है अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से पट्टी लगाने से हमारी जीप का जो ये रनर है वो भी बहुत अच्छे से सेफ हो जाता है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकलता, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे इस तरह से लॉक हो जाता है, ये भी इसको भी सपोर्ट मिल जाती है। तो ये बैग इस तरह से हमारा बैग बन गया है, और बाकी जो बचा उस पर भी मैं ये लगा दूंगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया है, ये देखिए ये हमारा सबसे ऊपर वाला हिस्सा इसका, ये इसका साइड वाला पोर्शन और ये इसका नीचे का पोर्शन, ये देखिए ये नीचे से है और ये साइडों से, और ये देखिए ये जेब जेब भी दोनों तरफ जो पॉकेट हमने लगाई थी वो भी यहाँ पे देखिए, ये भी काफ़ी बड़ी है फ्रेंड्स, इसमें भी काफ़ी सारा स्पेस जो है वो है, इसमें भी काफ़ी सामान हमारा जो है वो आ जाएगा। साइड पे दोनों तरफ हमने पॉकेट लगाई है, आप चाहें तो आप इस तरफ भी लगा सकते हैं,
साइड साइड पे भी आप यहाँ पर पॉकेट जो है वो लगा सकते हैं। मैंने एक बैग पहले भी डाला है, उसमें मैंने यहाँ पे इस जगह पे पॉकेट लगा के दिखाई है, तो आप वो भी मेरी वीडियो उस पर मेरे चैनल की वीडियो जो है वो देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही, थैंक यू।